नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। यूपी के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही पार्टी के नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना शुरू हो गया है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ ही दो दर्जन से ज्यादा कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, 10,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। वहीं उन्होंने बताया कि 1,00,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जा चुका है, 70 से अधिक मुकदमे भी दर्ज किए जा चुके हैं। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मैनपुरी पहुंचे। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पावर कॉरपोरेशन का मुख्य स्तंभ उपभोक्ता है, किसी भी उपभोक्ता का उत्पीड़न किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत सामने आएगी तो पावर कॉरपोरेशन अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही तय है। बता दें कि ऊर्जा मंत्री पूर्वांचल के दौरे के बाद आज मैनपुरी, इटावा और मथुरा के दौरे पर है और कल वो पश्चिमांचल के दौरे पर रहेंगे। सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली, सस्ती बिजली का संकल्प उत्तर प्रदेश सरकार का है और ऊर्जा परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य उपभोक्ता है। उपभोक्ताओं का उत्पीड़न किसी भी स्तर पर स्वीकार, उनकी समस्याओं का अविलंब निस्तारण हो, ट्रांसफार्मर समय पर बदले जाए, रोस्टर के अनुसार सबको बिजली मिले, लोड बैलेंसिंग ट्रांसफार्मर की हो जाए, जैसा कि सर पर जो ट्रांसफार्मर है उसके फीडरों के हिसाब से उसका जो लोड है। औरैया के अरवा कटरा इलाके में 4 ग्राम पंचायतों में सदस्य पद को लेकर पोलिंग हुई। मतदान के दौरान एक ग्राम पंचायत के मतदान केंद्र पर दबंगों ने पोलिंग एजेंट के द्वारा गड़बड़ी का विरोध करते हुए मारपीट की। मतदान केंद्र पर मारपीट की जानकारी मिलते ही सीओ बिधूना और थाना अध्यक्ष अरवा कटरा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही दबंग मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस कार्यवाही कर रही है। देखिए, अरवा कटरा सिंगल यहाँ पर बूथ है, यहाँ पर किसी महिला को वोट को लेकर के तो यहाँ पर उनके वो रहते एजेंट, उनके विरोध जताया गया कि इनका वोट फर्जी है, लेकिन बाद में उसको चेक करके सही पाया गया, हमने वोट डाला। फिर वो अपने घर से अपने परिवारजन को लेकर के यहाँ पर आई कि मेरी लखनऊ से आजमगढ़ होते हुए निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना पहुंचे। औद्योगिक विकास मंत्री के साथ कई और अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान जानकारी दी गई कि करीब 90% कार्य पूरा हो चुका है। अधिकारियों व मंत्रियों ने काम की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार के समझौता न करने और जो भी अधूरे काम है उसको जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान फ्लाईओवर व मिट्टी को लेकर भी जानकारी दी गई। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून से 10 जुलाई के बीच तक काम पूरा करने की उम्मीद है और इसके बाद इस रोड का शुभारंभ किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अपने निर्धारित समय से काफी पहले पूरा होने का संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने आदेश दिया। आज हम इसके इंस्पेक्शन पर हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस महीने एंड तक, जून तक हमारा पूरा कैरेज वे चालू हो जाएगा और हम लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक ये पूरी की पूरी सड़क बन जाएगी। उसमें जो थोड़ा बहुत कठिनाई या थोड़े बहुत काम कोविड की वजह से डिले हुए थे, हम उनको भी हर हालत में जुलाई। ताजनगरी आगरा के गांव बरौदा सदर में नव निर्वाचित प्रधान और भाजपा नेता पर गुंडागर्दी करने का आरोप लग रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव से पहले सदस्य पद के प्रत्याशी भतीजे धीरू को अवैध तमंचा लेकर जमकर धमकाया गया। प्रधान बनने के बाद श्री ओम गांव में जमकर दबंगई दिखा रहा है। उनका एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में श्री ओम गांव में फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर गहनता से जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में एक पीड़ित परिवार सूदखोर के आतंक से परेशान होकर एसएसपी कार्यालय पहुंचा। हाल यह है कि जहां सूदखोर के आतंक से परेशान होकर एक माँ बाप अपने 5 साल के मासूम बच्चे को बेचने को मजबूर हो गए, तो वही सूदखोर के द्वारा पीड़ित परिवार के घर पर ताला लगाने के बाद ब्याज सहित
40 लाख रुपए न लौटाने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने एसएसपी से पूरे मामले की जांच के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित चारू पाठक द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। बस्ती में एसपी आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसएचओ परशुरामपुर राजेश कुमार मिश्र ने टीम के साथ मिलकर एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर श्यामजीत उर्फ राइफल को गिरफ्तार कर लिया है। हरैया थाना में चोरी की घटना का भी उन्होंने खुलासा किया है। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर के पास से कई सारे जेवरात और चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। बुलंदशहर के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुमित कुमार गुप्ता नाम का एक युवा लड़का है, जिसकी उम्र लगभग 25-26 वर्ष के आसपास थी और इसके पिता अशोक गुप्ता अधिवक्ता हैं, तहसील में वकालत करते हैं। इनका कहना है कि शाम को 6 बजे के आसपास उनका बेटा घर से बल्ब लेने के लिए निकला। लगभग 9:15 बजे के आसपास इन्हें सूचना मिली और उस आधार पर इन्होंने एक तहरीर दी है बनामक ज्ञात। जो प्राथमिक छानबीन से बात निकल के आ रही है कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व इस लड़के को गोली अलीगढ़ बॉर्डर पर मारी गई थी। उसमें जो अभियुक्त, उस समय भी अभियोग जो है बनामक ज्ञात पंजीकृत हुआ था। बाद में इसी लड़के ने जो मृतक है शिनाख्त के आधार पर दीपक पुत्र धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति को उसमें प्रकाश में लाया गया। इसकी शिनाख्त के आधार पर वो अभियुक्त जेल गया और बाद में हाईकोर्ट से बेल आउट हुआ। ये आशंका है कि उसी वजह से प्रतिशोध में उसने इनके बेटे को गोली मारी थी। फिलहाल सभी पहलुओं पर बहुत गहराई के साथ हम लोग छानबीन कर रहे हैं और काफ़ी कुछ सुराग भी मिला है घटना के बाद और घटना के क्रम के संबंध में और बहुत जल्दी हम लोग। जालौन के भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके अधिकारियों की पोल खोल कर हड़कंप मचा दिया। सांसद ने दो ट्वीट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तथा लोक निर्माण विभाग के साथ मुख्य सचिव को किए हैं, जिसमें उन्होंने शिकायत की थी कि अधिकारी उनकी बात नहीं मान रहे हैं और कोन चोरई मार्ग पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल के निर्माण में घटिया स्तर पर काम किया जा रहा है और निर्माण में लगाया गया मटेरियल भी काफी खराब है। कार्यालय से हुआ होगा, उसमें हमने एक बार जो साइडें उन्होंने भरी हैं उसे ये कहा था कि इसे ठीक करके जो भी पेंटिंग करना वो पेंटिंग कर दीजिएगा। अभी कल ही हम जब यहाँ से कालपी जा रहे थे तो हमने देखा मड़ूरा के पास एक जो पुलिया बन रही थी वहाँ एक मोटरसाइकिल वाला तो व्यक्ति तो नहीं मिला, लेकिन मोटरसाइकिल हमें मिली जो करीब 8 फुट ऊपर तारों में लटकी हुई थी सारी चीज़ें। तो हमें कष्ट हुआ देख के, पता नहीं किस परिवार का जो व्यक्ति होगा जिसके साथ ऐसी दुर्घटना हुई है। उसी में मैंने मतलब ये सारे जो चीफ थे सारे और ऐसी थे अधिकारियों को रेस किया और उसी का हमारे ऑफिस से। राजधानी लखनऊ में आलमबाग बस स्टैंड पर चेकिंग अभियान चलाया गया। बता दें कि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के आदेश के बाद यह चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने बिना मास्क के दिखे लोगों का चालान काटा, साथ ही लोगों को सख्त हिदायत दी गई कि कोई भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता अगर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आंशिक कर्फ्यू लगा दिया गया था, जिसके बाद गरीब असहाय मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली तक निःशुल्क राशन देने का फैसला लिया है। यह फैसला उन गरीब व्यापारियों और असहाय लोगों को राहत दे रही है जो रोज कमा कर खाने वाले लोग हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं पर अधिकारी और कर्मचारी अभी भी पलीता लगाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया लखनऊ के टेढ़ी पुलिया क्षेत्र से, जहां टेढ़ी पुलिया क्षेत्र में लोग हफ्तों से कोटेदार की दुकान का चक्कर काट रहे हैं पर उनको राशन नहीं मिल पा रहा है। राशन लेने आई हो आप लोग? हाँ भैया। मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। पिछले महीने मिला था? पिछले महीने मिला। इस महीने क्यों नहीं मिला? अभी मैंने पता नहीं, लेट रहेगा, अभी आया नहीं तो मिला का। अभी नहीं आया राशन? नहीं आया अभी? नहीं आया। क्या बता रहे हैं कोटेदार? क्या बता रहे हैं? कह रहे कि 5 तारीख से आ रहे हैं, कह रहे कि जब अपना एक तारीख मिलेगा आप लोगों को। अभी राशन नहीं आया? नहीं आया भैया। क्यों, आप लोगों को मिला राशन? हाँ हमको बराबर मिला, इसी नहीं मिला। अगले महीने 5 तारीख को मिला था, 15 तारीख के बाद मिला, बराबर मिलता। इस महीने क्यों नहीं मिला? कभी कम ना कभी ज्यादा, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं।
लखनऊ के हरिहर गांव में मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। विवाद बढ़ा तो मारपीट के बाद गोलियां भी चलने लगी। गोलियां चलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को मामले की शिकायत की। वहीं पुलिस शिकायत के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी में शादी समारोह में शामिल होने आई 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। दुष्कर्म को अंजाम देने वाला बच्ची का ही मामा बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार वाले आक्रोशित हो गए। परिजनों ने आरोपी के साथ जमकर मारपीट की और पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैनपुरी के थाना एलाव क्षेत्र में 3 अभियुक्तों ने जाल बिछाकर मोर को मार दिया। मोर मारने की सूचना पर वन विभाग की टीम और थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक आरोपी को मारे गए मोर के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी भागने में सफल हो गए। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना एलाव में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ थाना एलाव में राष्ट्रीय पक्षी को मारने की धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। थाना अध्यक्ष एलाव सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि गांव मंजना में 3 आरोपियों ने मोर की हत्या कर दी थी, जिनके खिलाफ वन रक्षक ने मुकदमा दर्ज कराया है। 1 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही 2 अन्य भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। प्रदेश में कई जगह ऐसी भी हैं जहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पा रही हैं और लोगों को इलाज भी नहीं मिल रहा है। वहीं इलाज न मिलने से लोग स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन जब सच्चाई पूरी सामने आई तो कुछ और ही मामला सामने आया। दरअसल लालगंज थाना क्षेत्र में एक मरीज को कुछ लोग चारपाही से ले गए और बताया कि मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, लेकिन इस खबर का खंडन करते हुए मिर्जापुर डीएम ने बताया कि पीड़ितों ने एम्बुलेंस नहीं बुलाई। पीड़ितों के पास मोबाइल ही नहीं था। डीएम ने आगे कहा कि एम्बुलेंस के लिए कॉल आती तो एम्बुलेंस अवश्य मिलती। इसमें एक व्यक्ति है जिनका नाम सत्तू मुसहर है और लगभग 60-62 वर्ष उनकी उम्र है। कल उनको पेट दर्द की शिकायत हुई थी और उसमें सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ चली थी कि एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है और इसलिए उनको चारपाई पे ले जाया गया। इसकी मैंने एक सीएमओ से जांच कराई और सीएमओ की जांच में यह पाया गया कि उन्होंने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन नहीं किया था। इसके अलावा जो एम्बुलेंस के प्रभारी है हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी हमने रिपोर्ट निकलवाया, तब भी यही तथ्य सामने आया। और इसके अलावा मैंने जो हमारे SDM लालगंज है इससे उनको घर पर भेज करके जाँच कराई, तो परिवार वालों ने ये बयान दिया कि हमारे द्वारा एम्बुलेंस के लिए कोई कॉल नहीं की गई। इसके अलावा उनके घर में किसी के पास मोबाइल भी नहीं है। मैनपुरी में नवागत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार राय ने थाना एलाऊ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, हवालात, शास्त्रागार सहित थाना परिसर का भी जायजा लिया। साथ ही लंबित मामलों में आरोपियों के खिलाफ शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिए। SSP ने आगे कहा कि आरोपियों में पुलिस का भय रहना चाहिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। रायबरेली के थाना कोतवाली नगर और SOG की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां टीम ने अवैध शस्त्र के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से चोरी व लूट के सामान के साथ ही अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से लाखों रुपए के साथ जेवरात भी बरामद किए गए। बता दें कि इन शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने ऑपरेशन ऑलआउट के तहत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1-1.5 महीने से कुछ चोरियां हुई थी, जिनसे काफ़ी लोगों में भय व्याप्त हो गया था और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया था। इस टीम की कड़ी मेहनत के बाद कुछ वीडियो फुटेज चोरी के समय के थे और सर्विलांस के सहारा लेते हुए और कुछ मुखबिरों को इन्वॉल्व इसमें किया गया था, उनकी मदद से बुलंदशहर के शिवाली क्षेत्र के पास तेज रफ्तार कार ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। दोनों गाड़ियों की इस जोरदार टक्कर में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान अस्पताल में ले जाते वक्त घायल की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारे गांव में राजकुमार त्यागी जी की मृत्यु
उसका कारण हुआ कि उनके दोस्त थे कटियावली के, वो नोएडा जा रहे थे, रिटायर एसओ हैं दिल्ली पुलिस में। उन्हें सूचना, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उन्होंने उन पर सूचना दी कि साहब मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई मदद करें, गाड़ी को या तो खिंचवा के सिवाली खड़ी करवा दें, गाँव ले जाए। और गाँव जाने से निकलने से पहले पहले फिर सूचना आ गई कि मिस्त्री आ गया, अब रहने दो। उन्होंने मना भी किया, लेकिन बोले दोस्त हैं काफ़ी दिन में मिले, लोग मिलने के उद्देश्य से वो चले जाए। और पहुँचे, पहुँचने के बाद में आपस में वार्ता ही कर रहे थे कि कैसे गाड़ी आई बुलंद शहर की तरफ से, और उसने राजकुमार त्यागी की टक्कर मार दी, जिसे गंभीर चोट आई। गंभीर चोट में उनकी, उन्हें यहाँ लाया गया बुलंद शहर संसार हॉस्पिटल में। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।